मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है बहुत ही स्पेशल डे, हमारी जोना हो चुकी है, मतलब हमारी सिया हो चुकी है 4 मंथ्स की। तो आज मैं उसका छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। 4 मंथ्स हो चुके हैं बट पता भी नहीं लग रहा है, सीरियसली पता भी नहीं लग रहा है। गुड मॉर्निंग शोना, शोना हैप्पी 4 मंथ्स बर्थडे बेटा, हैप्पी 4 मंथ्स। आज शोना ने न्यू ड्रेस पहनी है। आज शोना 4 मंथ्स की हो चुकी है फाइनली, है ना बेटू, है ना मेरा बेटा। शोना की गुड मॉर्निंग तो बहुत पहले हो गई थी, अब तो शोना मालिश करा के रेडी होके, है ना, फूड का वेट कर रहा है। शोना फूड का वेट कर रहे हो? चलो शोना चले, जय जय गर्नी चले। तो मैंने अभी शोना को सुला दिया है और अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज है कुछ स्पेशल डे, तो थोड़ा बहुत अभी ब्रेकफास्ट में तो थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा अभी घर पे हैं नहीं, सिर्फ अमन और मैं हैं। तो थोड़ा सा लेट हो गया है, आज 11 o'clock हो गए ब्रेकफास्ट करते करते। तो बस चलते हैं, एंड ये मेरे घर का मेरा फेवरेट एरिया है, यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज आती है। तो चलो फिर देखते हैं। आज वैसे अमन का मन कर रहा था छोले कुलचे खाने का, तो मैंने यहाँ पे छोले बॉईल कर दिए थे, तो अभी मैंने ये मैश तो कर दिए हैं, एंड कुलचे अमन से मंगवा लिए थे, ये रहे कुलचे। तो आज हम खाएंगे छोला कुलचा। तो चलिए छोले कुलचे की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जब तक सिया सो रही है तब तक मैं अपने सारा ही ब्रेकफास्ट वाली चीज़ें निपटा लेती हूँ, एंड आज कुछ हम मैं सोच रही हूँ कि कुछ मीठा बना लिया जाए, ताकि उसे मेरे कान्हा जी जो हैं उनका भोग लग जाएगा। तो बनाते हैं थोड़ा सा हलवा, क्योंकि मैं उसके हर बर्थडे पर, मतलब मंथली जो हम सेलिब्रेट करते हैं, अभी तक 3 बर्थडे सेलिब्रेट करे थे, तब तक मेरी कंडीशन इतनी बेटर नहीं थी, बट अब इस बर्थडे पे 4 मंथ्स हो चुके हैं, तो आज मेरी कंडीशन काफ़ी बेटर है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ स्पेशल ऐसे बनाया जाए। तो बस, एंड धूप कितनी ज़्यादा हो गई है यार, 11 बजे, मतलब बिल्कुल आई डोंट लाइक समर्स, सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गर्मियाँ। देखना इतना सुनसान हो रखा है बाहर, एंड ये हमारी मलाट खड़ी है नीचे, 10 स्टोरियाँ बहुत ही ज़्यादा, और बाकी दोनों बाइक्स आगे की साइड में खड़ी हैं। तो बस चलते हैं यार, बहुत ही गर्मी हो गई है एकदम से, अभी अप्रैल का एंड भी नहीं आया है, आज 16th of April है और अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है ना, माय गॉड, कहीं घर से निकलने का मन नहीं करता है ऐसी गर्मी में। वैसे भी मुझे तो अभी ज़्यादा कुछ निकलना ही है, पहले मैंने सोचा था 3 मंथ्स की हो जाएगी, 4 मंथ्स की हो जाएगी, कुछ प्लान करेंगे हम तीनों जाके, कार में ही चले जाएंगे, बट नहीं हो पाता यार छोटे बेबी के साथ, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा दूर ही जाते हैं ना, तो थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम होती है बैठने में। हाँ थोड़े टाइम बाद देखेंगे अगर कुछ प्लान बन पाया तो, बाकी अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा आप सीखने लगी क्या, बढ़िया सीख रहे हैं? अरे वो रोने लग गई थी ना, सीनियर शेफ के नीचे सीख रहा हूँ मैं छोटी चीज़। तो बस अभी हमने सूजी निकाल ली है, हलवा भी बनाएंगे, लेकिन मैं सोचू हलवा यार रात को बना लेंगे, रात को प्रॉपर जब डिनर बनाऊंगी। तो और यार अभी 11:30 तो हो ही रहे हैं, फिर लंच खाना है क्या, अभी तो ये देख लेंगे पहले खा के। तो इसके साथ हम लोग खाने वाले हैं कुछ मंचिंग टाइप कर लेंगे, इसके साथ हम लोग खाने वाले हैं लस्सी, और इसके साथ हम लोग पीने वाले हैं लस्सी। मुझे ना ऐसे अनटर्न चीजें ना बहुत सही लगती है। मैं उल्टी हो गई क्या कैमरे में, ठीक आ रही हूँ कैमरा इधर आ रहा है नीचे, अरे टर्न हो जाता है बीच में से, कट करो टर्न हो जाएगा कैमरा नीचे। तो बस अभी अमन सेक रहे हैं, क्योंकि हमारी बिटिया रानी जो है वो रोने के लिए लग गई थी, तो बस ऐसे ही हम लोग मिलजुल के काम करते हैं यार, ठीक है चलो फिर मिलते हैं आपसे। सो फाइनली ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है रेडी। मुझे ना ये ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये लस्सी का ग्लास
गर्मियों में तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है लस्सी, तो बस अभी ये खाते हैं। चलो फिर मिलते हैं, आज संडे है यार, फील नहीं आ रही बच्चे के साथ ना। एक तो मेरे संडे मंडे सब कुछ बराबर हो चुके हैं, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल होता है ना बेबी के साथ, वो पूरा इतने महीनों से सेम होता जा रहा है। बट हाँ, शायद अब इसको आफ्टर 3 मंथ्स थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। अब तो डेली कुछ ना कुछ न्यू कर दिया, तो बस अभी थोड़ा सा इसके साथ खेलने में भी मज़ा आता है। तो चलो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। शिना ने ड्रेस चेंज कर लिया। हाँ, शाम हो गई ना, इसलिए शिना ने चेंज कर लिया। यश, एजी 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 है ना। अभी शिना जब केक कट करेगा, अली कागलियो, अभी शिना जब केक कट करेगा तब दूसरी ड्रेस पहनेगा। और भूख लगी है। देखो, हेलो बीटू, हेलो। अरे बोल दे। अच्छा, आहा, फाइनली अब मैं केक लेने के लिए निकला हूँ। थोड़ा रेस्ट ही कर रहा था आज पूरा दिन, ना थोड़ा लेजी था, तो अभी जल्दी से केक वेक लेके आता हूँ। फिर मम्मी पापा भी आ गए हैं, तो फिर उसके बाद सिया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और आपको दिखाते हैं पूरा। सो दिस इज़ माई आउटफिट शोना के बर्थडे के लिए। सो और कुछ आ नहीं रहा था एक्चुअली, अब मैंने लूज सूट्स पहनने स्टार्ट करे हैं। तो हाँ, तो फिर हम कहाँ थे, तो अभी शोना क्या है कि मम्मी पापा आ चुके थे, तो वो अभी उनके साथ खेल रही थी काफ़ी देर तक, तो वो थक के ना अभी सो चुकी है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम को क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए। तो अमन केक वगैरह ऑर्डर करके आ चुके थे, तो अभी जस्ट केक लेकर आए थे, और यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप किया है हमने। हम जनरली हम ऊपर लाउंज है, वहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं कुछ भी होता है, बट मैंने इस बार सोचा कि हम यार रूम में ही करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी ना गर्मी बढ़ गई है, तो लाउंज में फिर हम इतने लोग हैं नहीं, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन तो हो नहीं रहा है। इस बार हमने किसी को भी नहीं बुलाया, और हम 4 लोग हैं, जिसमें से मम्मी पापा का अभी कुछ मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो उनको ज़्यादा कुछ खाना पीना ऐसे अलाउड भी नहीं है, तो बचे हम 2 लोग। शोना अभी कुछ खाती नहीं है यार, मैं उसे शोना शोना बोलती हूँ, उसका सिया है वैसे उसका नाम। तो मैं अभी आपको ये छोटा सा सेटअप दिखाती हूँ, बहुत क्यूट लग रहा है। हम हर मंथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो जनरली हम ऊपर ही करते थे, तो इस बार हम रूम में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि एसी नहीं है, तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है सच में, तो इसीलिए हम आज रूम में कर रहे हैं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, देखो सबसे पहले तो कितना क्यूट सा केक है। आई एम 4। ये हर मंथ उसका एक गिफ्ट आता है, टेडी सॉफ्ट टॉय ज़रूर आता है उसका, एक ये वो है, और ये उसकी बड़ी मम्मा ने भेजा था, तो ये पिंक पिंक मैच हो रहा था उसकी ड्रेस से, तो हमने सोचा हम ये भी रख देते हैं इस बार, क्योंकि उसके केक के साथ एक टॉय ज़रूर रखा जाता है, जो कि उसके डैडा लेकर आते हैं। बहुत ही क्यूट लग रहे हैं ये दोनों टॉयज, और ये क्यूट सा केक, और यार केक पे बिल्कुल सेम बनवा दिया ये तो डैडी एकदम। देखो कितना प्यारा लग रहा है, शोना बड़ी होकर देखेगा तो कितना हैप्पी होगा। वाह, ये है हमारी बेबी गर्ल टर्न 4, ये है हमारा रूम। ये बच्चों के घर में ऐसे ही हो जाता है, ये मेरे सारे। और ये हाँ, हमारा जो वो पूजा हुई थी ना छठी के दिन की, तो हमने ये हटाया ही नहीं है, लगाया ही रखा है जब तक लगा रहे माता रानी। ये है, अभी मैं सोचू कि ऑरेंज लाइट में भी डिफरेंट रख लगेगा, ऑरेंज लाइट में भी कुछ फोटो। हाँ, अभी मैं सोचू कि ऑरेंज लाइट में भी डिफरेंट रहेगा, उसमें भी थोड़े से फोटोज़ खींचेंगे। एंड शोना की ड्रेस बहुत प्यारी है, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत ही अमेजिंग। तो चलो फिर कैसा लग रहा है केक? यार, बहुत अमेजिंग लग रहा सो है। दिस इज आद्या, आई एम 4। उसके हर मंथ का केक ना इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। यहाँ पे ना एक बेकरी है, वो बहुत सही केक्स बनाते हैं यार, बहुत अमेजिंग लग रहा है। हाँ, हाँ
हमेशा, और आजकल हमेशा उसका केक पिंक एंड वाइट ही रहा है जब से बेबी शावर हुआ है, हमने उन्हीं से बनवाया बेबी गर्ल टर्न्स 4। और ये है हमारी बर्थडे गर्ल। हेलो ये हमारी बर्थडे गर्ल क्यों रो पाए, इसको हमने नींद से उठाया अभी शोना, उठ जाओ अभी तो तू। शॉक हो रही है कि मेरे को क्यों उठा लियो। हो बहुत तेज लाइट आ गई ना एकदम से, ये थोड़ा सा कम लाइट में सो रही थी। शोना गुड मॉर्निंग, मेरी लाइफ ना अब इसी के अराउंड हो चुकी है। गुड मॉर्निंग बाबा। चलो अब क्विकली आपके कपड़े चेंज करते हैं बर्थडे गर्ल। ट्रांजिशन में दिखाते हैं ऐसे, 1 2 3 वॉम। और ये हो गई है हमारी शोना रेडी। बेटू आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो, टच मत, आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो। अरे वाह, और एकदम मैच भी कर रहे हो। मम्मा को अपने से ही फुर्सत नहीं है, मम्मा ने रेडी करा है। इसे उठाओ इधर, उधर लेके जाओ। अरे प्यारा बीटू, बहुत क्यूट लग, मैच कर रहा है मेरे। थोड़ा सा यस को ये हटा दूं क्या? नहीं थोड़ा सा ऊपर, बस थोड़ा सा ऊपर। आइज पे आ रहा है शोना के। हां अब क्यूट लग रहा है शोना। नहीं सी आप इसको पता कैसे लगेगा, मेरा नाम सीयू है, मेरा नाम चीयू है। आहा ओए होए, मेरी पड़ी ओए होए, थोड़ा सा इसको ना चलो ऐसे। हां बेटू अब ठीक है। हां अब ठीक है। ओ अब अच्छा लग रहा है, देख अच्छी। ओह यू नो मम्मा के बाल छोड़ दो प्लीज। यार मैं सीरियस बोलती नहीं हूँ अपने बालों को। शोना अपना केक देख रहे हो, शोना बहुत क्यूट लग रहे हो केक से। टाइल्स टाइल्स देखो कितने क्यूट क्यूट टाइल्स। हैप्पी बर्थडे शोना, हैप्पी बर्थडे शोना, हैप्पी बर्थडे शोना। मेरे बेटू हाँ यू ना बेटू देखो डांस भी करता है। शोना मम्मा को डांस करके दिखाओ। से बहुत क्यूट लग रहे हो आप तो। अच्छा शोना डांस कर, देखो अरे मम्मा को देख लियो आप तो। शोना मम्मा को देख ले, रोज मम्मा को लोअर में दिखती है आज सूट में। चुना ये देखो केक, ये चुना का केक है, ये चुना का टेडी है, ऐसे बोल रहा है ये चुना चंचन। अभी सो के उठा है ना, मैं अभी तो शो के उठा है ना इसलिए। अरे भाई मैं भी इधर, चलो आप उधर बैठ के फोटो खिंचाएंगे, आ जाओ है ना, हम भी इधर फोटो खिंचाएंगे। ये जैसे हमेशा खिंचाते वैसे खिंचाए, आज बैठ के बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो। ये पता है गर्मों की वाली ड्रेस पहन के शोना को गर्मी लगती है। हम इधर आ जाएंगे, हम इधर जाएंगे, इधर शीशे में शीशे में ना। 5 little monkeys jumping on the bed। मम्मा भी आ गई, मम्मा भी। ओ वाओ मम्मा तो बर्ड मोडू लग रही है। ओ शोना तो बहुत क्यूट लग रहा है, शोना तो बहुत क्यूट। कैमरा नीचे करो। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, दादू दादी के साथ एंजॉय कर रहा है शोना। Happy birthday.
के पीछे हूँ और स्क्रीन के सामने सिया है, तो वो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो व्यू फाइंडर पर दिखता है ना, उसको देख के वो इतनी हैप्पी हो रही है ना कि मेरी जो शक्ल दिख रही है, ये देखो क्या देख रहे थे, डैडा को देख रहे थे। अरे शैतान बच्चा अब सो ही नहीं रहा है। तो फाइनली रात के 12 बज गए हैं और इसका बर्थडे बहुत अच्छा रहा। और एक तो ये ठंड में पैदा हुई थी ना, तो इसको हमारी तरह बहुत गर्मी लगती है, तो अभी एसी चल रहा है, इसको थोड़ा सा ब्लैंकेट उड़ाओ, ये पैर मारो आके पूरा हटा देती है। तो अभी बस वेट कर रहे हैं ये सोए, हम अपना आइसक्रीम खाएं और फिर आज के दिन को क्लोज करें और इस वीडियो को भी क्लोज करें। बट दिन बहुत अच्छा रहा, टच वुड। पहले सब लोग बोलते थे कि बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लिटरली वो जब आपका खुद का बेबी होता है आपको लगता है लिटरली ये 4 महीने की हो गई है, ऐसा लगता है कल का ही तो दिन था, इतनी छोटी सी थी, इसको पहली बार हाथ में लिया था। तो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट, और मतलब फादर और डॉटर का बॉन्ड तो अलग ही लेवल पे होता है। पूरा टाइम ऐसे मेरे को देख के खुश होती रहती है, हंसती रहती है, ऐसे बहुत अच्छी फील आती है। चलिए जी आज के ब्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं, अपनी बिटिया रानी को सुलाते हैं और आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ।